देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो दोस्तों, चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में आ गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन फिलहाल तय माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में दोनों ही दलों ने हाथ मिलाया हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरएलडी ने सपा बसपा के साथ गठबंधन किया था। वहीं आरएलडी के हाथों में इस बार किसान आंदोलन नाम का एक बेहतरीन मोहरा है और इसके सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने दबदबे का दावा करने वाली आरएलडी पूरा जोर लगाकर विधानसभा चुनाव में खुद को स्थापित करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, हालांकि आरएलडी की सियासी ताकत सपा के साथ गठबंधन में मिली सीटों से ही तय हो रही, इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी कि सपा से गठबंधन की आस लगाए बैठी आरएलडी का उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव। तो अजीत सिंह के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। चौधरी चरण सिंह से अजीत सिंह को पूरे उत्तर भारत के किसानों की एक बड़ी राजनीतिक विरासत मिली थी। दोस्तों, सिर्फ अजीत सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति में वोट बैंक अब चिड़िया की तरह उड़ चुका है यह बताने का काम किया हार कर। क्योंकि दोस्तों, चौधरी अजीत सिंह दो बार चुनाव हारे, जहां पर उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं, हर जगह उनको विरासत में मिली वोट बैंक के वोटर थे। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अबव, बिलो, अप, बॉटम, हर जगह दोस्तों, हर जगह अजीत सिंह के चारों तरफ वोटर ही वोटर जो उनको विरासत में मिले थे। लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हारे, जिसने पूरी देश की राजनीति में एक मैसेज दिया कि अब वोटर जाग चुका है, अब वोटर पैकेटों में आने वाले कोई वोट बैंक वाले कोई डिब्बे नहीं। लेकिन दोस्तों, अजीत सिंह उस विरासत को संभालने में कामयाब नहीं हो सके और आरएलडी का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया, जो कि अब भी ऐसा लगता है कि सीमित नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, एक सीट पर। लेकिन वो उस पार्टी के विधायक को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, फिलहाल आरएलडी के पास राजस्थान में एक विधायक है, एक विधायक। 2014 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी की हार के साथ शुरू हुआ आरएलडी का प्रभाव अभी भी जारी है। यूपी पंचायत चुनाव में 60 सदस्यों की जीत का दावा करने वाली आरएलडी केवल एक जिले बागपत में ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत सके। दोस्तों, ये सब पृष्ठभूमि, ये सब बैकग्राउंड, ये सब बिहाइंड द सीन की स्टोरी मैं आज सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सके कि कुछ चूजे सड़क पर घूमकर चौतरफा मिश्री बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ अब जयंत चौधरी आ गए हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में कुछ अलग बयार बहने को। लेकिन दर्शकों, जो मैंने अभी आपको बताया वो ये स्पष्ट करता है कि कौन कितने पानी में है, कौन किस जगह खड़ा है, कौन किस लेवल में है। और दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट आरएलडी का प्रभाव बढ़ा है। सिर्फ
स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्ट वेरी बिगनिंग में किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब आरएलडी कहीं नजर नहीं आती थी, घर पर बिस्तर में आराम से सोती थी। लेकिन जैसे ही आरएलडी को लगा कि ये मौका है, दस्तूर है, मौका है, मौका है, झपट लो, इन्होंने इसको झपटा। और आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का इन्होंने सहारा लिया, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जो हिंसा हुई उसके चलते देश भर का मूड थोड़ा सा बदल गया। और सरकार ने भी दोस्तों इस बदले माइंडसेट का, इस बदले मूड का फायदा उठाते हुए किसान आंदोलन को रातों रात खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे में सियासत दानों की आंखों के सामने चमकता चेहरा दिखे राकेश टिकैत साहब। राकेश टिकैत साहब को आरएलडी का समर्थन उस वक्त मिला जब किसान आंदोलन कमजोर हो रहा था। और ऐसे में दर्शकों उल्टा फायदा यह हो गया कि आरएलडी को थोड़ा सा प्रभाव मिल गया, आरएलडी का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ गया। दोस्तों महापंचायतें की गई, किसान महापंचायत की गई, जिसमें जयंत चौधरी मंच पर पहुंचे, सामने बड़ी भीड़ को संबोधित किया और एक बार फिर लोगों ने उनमें किसान नेता को तलाशने की कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह, वो अपने पिता चौधरी साहब की विरासत को संभालने में उस हद तक कामयाब नहीं हो सके, यह पूरा देश जानता है। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों को फिर से साधने के लिए जयंत चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर यह कहा जाए कि किसान आंदोलन की राजनीतिक ताकत को पहचानते हुए अजीत सिंह ने उसे समर्थन देने का जो दांव चला वो काफी हद तक कामयाब होता दिखा है। व्यूअर्स, किसान आंदोलन के दौरान अजीत सिंह ने पश्चिमी यूपी के गांव गांव में सभाएं की, हर जगह पहुंचे, हर क्षेत्र पहुंचे, गली पहुंचे, नुक्कड़ पहुंचे, गलियार पहुंचे, कस्बा पहुंचे, टाउन पहुंचे, सिटी पहुंचे, स्टेट पहुंचे। लेकिन दोस्तों वो करिश्माई ताकत अब इनमें नजर नहीं आती, क्योंकि एक नेता की ताकत सिर्फ रैली में, सिर्फ सभाओं में दिखती भीड़ नहीं हो सकती। अगर दोस्तों ऐसा होता तो बिहार में आरजेडी की सभाओं में जो भीड़ दिखती थी वो भीड़ कभी वोटरों में तब्दील नहीं हो सकती। और अखिलेश यादव अगर ऐसा समझते हैं कि चौधरी के इस पुत्र के सहारे वो पश्चिमी यूपी में कुछ कर पाएंगे, तो पश्चिमी यूपी के अगर किसी छोटे जिले में जाकर भी आप किसी भी छोटू से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब उनकी अहमियत क्या है, अब वो कितने प्रासंगिक हैं, आपको पता लगेगा। लेकिन दोस्तों ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब विपक्ष लामबंद है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है, जो कि विपक्ष को भी पता है, कि विपक्ष लामबंद है। इसमें विपक्ष पहले आता है, लामबंद बाद में आता है। लेकिन दोस्तों यूपी में विपक्ष कहां है? मायावती जी सिर्फ चुनावों के दरमियान, सिर्फ चुनावों के वक्त इक्का दुक्का पीसी करती नजर आती है, सिर्फ चुनावों के वक्त उन्हें लोगों की याद सताती है, सिर्फ चुनावों के वक्त टिकट बांटते समय उन्हें अपने प्रत्याशियों का नाम याद आता है।
और दोस्तों धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, इनको सिर्फ और सिर्फ ट्विटर चलाना बहुत अच्छे से आता। पूरे कोरोना काल के दौरान इन्होंने लोगों से कम बातें की, इन्होंने ट्विटर से ज्यादा बातें की, इन्होंने ट्विटर पर भ्रम फैलाने की भी कोशिश की। दोस्तों इन्होंने ट्विटर पर बताया कि ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। इसके चलते उत्तर प्रदेश के कई सपा नेता, कई सपा कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन नहीं लगवाई और बाद में जाके अखिलेश यादव जी के पिताजी ने वैक्सीन लगवा ली और फिर अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगवा ली और यह कहा कि यह सरकार की वैक्सीन है। अखिलेश यादव जी शायद राजनीति की पाठशाला में यह नहीं पढ़ सके कि पार्टी जो अभी सत्ता में है वो भाजपा है। अगर ऐसा ही है तो फिर वो प्रधानमंत्री की योजनाओं पर बात क्यों करते हैं, वो प्रधानमंत्री को सरकार क्यों कहते हैं, वो क्यों नहीं कहते कि बीजेपी का प्रधानमंत्री है, वो सरकार सरकार क्यों करते हैं, वो बीजेपी बीजेपी क्यों नहीं करते। आज दोस्तों अखिलेश यादव की डुबडुबाती नैया पर हम सीधा प्रहार करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरा दिन जो ड्रामा किया गया, जिस ड्रामे की एक लिमिट होनी चाहिए, उस ड्रामे को एक्सपोज करेंगे। जिस तरीके से नेताओं के चाटुकार पत्रकारों ने कोशिश की एक नैरेटिव बनाने की कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेताओं के साथ गोलबंदी कर रहे हैं और वो जल्द ही विपक्ष को एक बड़ा स्वरूप देने जा रहे हैं, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जयंत चौधरी इतने प्रासंगिक होते तो वो खुद चुनाव जीत जाते। जैसे राकेश टिकैत कहते हैं, बार बार दोस्तों कहते कि हमने सरकार बनाई, हमने सरकार बनाई, हमने सरकार बनाई, कभी ये नहीं बताते कि खुद दो बार चुनाव लड़े और दोनों बार चुनाव हार गए। दोस्तों अजीत सिंह के बाद जयंत चौधरी भी किसानों के बीच पैठ पढ़ाने में लगे हैं। अगर जयंत चौधरी दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते तो पश्चिमी यूपी की सियासत बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात वही है कि एक अनार है और 100 बीमार है। एक तरफ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ सत्ता का अनार खाने के लिए मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और साथ में कई छोटे और मोटे कई राजनीतिक खिलाड़ी भी मैदान में मौजूद हैं। दोस्तों वैसे जाट राजनीति की इस विरासत को जयंत चौधरी कितना संभाल पाते हैं, सबकी नजरें इसी पर हैं, इसी पर। दोस्तों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो छोटे सियासी दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वो आरएलडी को छोटा मानते हैं कि बड़ा मानते हैं ये साफ नहीं कर चुके। दोस्तों एक बात तो तय ही मानी जा सकती है कि अखिलेश यादव की नजर में आरएलडी सियासी दल तो है, तो सीटों की संख्या को लेकर भी बात बन भी सकती है और नहीं भी। फिलहाल जैसी राजनीतिक स्थितियां नजर आ रही हैं, वो कहीं से भी अखिलेश यादव के करीबियों को लेकर चर्चा में रहने वाले जयंत चौधरी के पक्ष में जाती नहीं दिख रही। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो, मायावती जी की बात हो, अखिलेश यादव जी की बात हो, जयंत चौधरी की बात हो, राजभर साहब की बात हो, लेकिन राज बब्बर की बात आज नहीं होगी क्योंकि राज बब्बर वापस चले गए। अब उनकी जगह यूपी में एक चेहरा नजर आता है, जिस चेहरे को एक चेहरा इस तक बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, ये उनकी हार्डेस्ट क्वालिफिकेशन है। मैम प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नाव में सवार
और उसकी पतवार लेकर सबसे आगे आगे चल रही और उस नाव में सवारी कर रहे हैं सोते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, जिनको जगाने की लगातार हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस की डूबती नाव में सवार होने का रिस्क जयंत चौधरी नहीं लेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन से अच्छा है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ ले। दर्शकों, आरएलडी अगर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो उसे जाटलैंड में फायदा होने की संभावना है। अजीत चौधरी के निधन के बाद जाटलैंड में दोस्तों आरएलडी के लिए भावुकता बढ़ी हुई नजर आती है। यह उसी तरह की भावुकता है, यह उसी तरह का वक्त है जो एक वक्त पर इंदिरा गांधी जी की, उनके असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी को जो सत्ता मिली थी वो इसी भावुकता के जरिए मिली थी। लेकिन हर बार ये भावुकता काम नहीं करती, क्योंकि रामविलास पासवान जी की मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को इसका फायदा होता दिखा नहीं, नुकसान होता ज्यादा दिखा, पार्टी बिखर गई। तो जयंत चौधरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश सहानुभूति मिलना तय माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। एक इंटरव्यू में जयंत चौधरी ने कहा है कि पिता अजीत सिंह के साथ काम कर चुके लोगों को उन्होंने साथ आने के लिए कहा है, उनसे अपील की। हालांकि जयंत इस सहानुभूति को कितना बटोर पाते हैं यह देखने वाली बात है, क्योंकि दिवंगत अजीत सिंह हमेशा से सत्ता के साथ है, फिर वह केंद्र में कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ या राज्य में हर जगह सत्ता का उन्होंने स्वाद चखा। तमाम राजनीतिक दलों को उनके जाट वोट बैंक की कदर पता थी। दोस्तों, बात कहां से बिगड़ी? तो बात बिगड़ी 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से। मुजफ्फरनगर दंगों से पहले तक जाट और मुस्लिम वोटों के सहारे अजीत सिंह का एक ठोस सियासी आधार हुआ करता था। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह ने भाजपा के साथ गठबंधन कर इसी सीट क्षेत्र से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों और भाजपा के उदय ने आरएलडी के सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया। दोस्तों, जाट समाज में अजीत चौधरी का सम्मान तो बना रहा, लेकिन वोट बैंक के नाम पर उन्हें जाटों का साथ नहीं मिला। यही वजह रही कि 2014 में वो अपने गढ़ बागपत से हारे और 2019 में जयंत चौधरी को भी हार का मुंह देखना पड़ा। कहना गलत नहीं होगा कि आरएलडी में जयंत चौधरी की नई सियासी पारी का पूरा दारोमदार किसान आंदोलन पर टिका हुआ है। किसान आंदोलन कहां टिका हुआ है यह अभी तक तय नहीं हो सका। जैसे कि अगर मैं इस घड़ी को उतार कर भी प्रोग्राम करूं तो इससे प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत कामली जमला पहनना चाहते, वो किसान आंदोलन के नाम पर 370 की बात करते हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर बंगाल चले जाते हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर बिजली की बात करते हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर सड़क की बात करते हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर तमाम बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो खुलकर ये नहीं बताते कि आखिर जित कैसी है। और सुनकर आश्चर्य होगा, इसी किसान आंदोलन के साथ मिलकर अजीत सिंह के प्रति जाटलैंड में जो स्नेह पहले था, अगर वह जयंत चौधरी को मिल जाता है तो पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, अगर यह समीकरण सही बैठ जाते हैं तो। खैर दोस्तों, आरएलडी के लिए काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2000 पहले से पहले क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में इस वक्त और कुछ वक्त से काफी एक्टिव है,
हो सकता है कि वह कुछ जाट बहुल सीटों पर कमाल कर जाएं, लेकिन उनकी सियासी ताकत पश्चिमी यूपी तक ही सीमित है, इस बात को आप नक्की कर लें। दोस्तों, ये जो कुछ बातें हमने की, इनके पीछे मेरा कहने का बस एक मतलब था, बस एक बात थी जो मुझे बतानी थी। और दोस्तों, वो बात ये है कि उत्तर प्रदेश में अगली साल होने वाले चुनावों से पहले खूब खूब सियासत गरमा रही, खूब बातें चल रही हैं, और जनता को भ्रामक जानकारियों से बचाना एक पत्रकार का पेशा है। इसलिए जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो तरह तरह की बातें होने लगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना जयंत चौधरी की पूरी किताब को आपके सामने बिना कवर के लाया जाए और आपको बताया जाए कि जयंत चौधरी अगर अखिलेश यादव से मिल भी लेते हैं तो इसके क्या मायने हैं, क्या जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में कुछ भी कर पाएंगे, सियासत में इतना रत्ती भर कुछ भी कर पाएंगे, ये बताने की हमारी कोशिश है। दर्शकों, अखिलेश यादव के साथ मिलकर जयंत चौधरी अभी फिलहाल तक के समीकरणों के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, अगर किसान आंदोलन का उन्हें फायदा नहीं मिला तो। दोस्तों, अगर किसान आंदोलन का उन्हें फायदा मिलता है तो जरूर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पुराने दिन वापस आ जाएंगे जब किसान चुनावों को पलटने में एक बड़ा रोल प्ले करते थे। दोस्तों, फिर वही बातें होना शुरू हो जाएंगी, किसान नेता जो राजनीति में बहुत प्रासंगिक होते थे, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे सिर्फ इन्हीं किसानों की बदौलत। दोस्तों, बाकी राकेश टिकैत जी ने एक बात बोली है, उन्होंने कहा है कि जैसे दिल्ली को घेरा है वैसे लखनऊ को भी घेरेंगे। राकेश टिकैत जी कुछ दिन पहले बंगाल में दिखाई दिए थे, बंगाल का चुनाव खत्म होते ही वापस यूपी आ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली की सीमा के अंदर और दिल्ली को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि माननीय किसान नेता महोदय, माननीय सर्वश्रेष्ठ किसान नेता ऑफ दिस सेंचुरी मास्टर राकेश टिकैत साहब, आप ना तो सरकार को जिताने में कोई रोल प्ले करते हैं, ना करते थे, आप सिर्फ भोले भाले मासूम किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की हवा जैसे ही बहना शुरू हुई, सब लोग बिल से निकल चुके हैं, और राकेश टिकैत जी, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप लखनऊ जाकर लखनऊ को बंद कर देंगे, अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली की तरह लखनऊ के सारे दरवाजों को बंद कर देंगे, तो आई हैव अ मैसेज फॉर यू, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई वॉन्ट यू टू नो, सो हियर इज माई मैसेज फॉर यू सर राकेश टिकैत जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप यहां के दरवाजे बंद कर बैठे हैं और यहां के दरवाजों को बंद करने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दूं सीएएनआरसी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, लखनऊ में कोशिश हुई और पोस्टर लग गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतने के सपने देखने वाले बहुत हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अनार है और इसके 100 बीमार हैं दोस्तों, और ये 100 लोग बढ़ चढ़कर अपने अपने सियासी फायदों के लिए आपको तरह तरह के जुमलों से, तरह तरह की बातों से, तरह तरह की मिठाई खिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मना करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत में सेवक की तलाश होनी चाहिए। नेता हर जगह मौजूद, और आज के दौर में नेता अगर समाज सेवा का कार्य चुन ले तो ज्यादा बेहतर है, बल्कि वो समाज सेवी समाज सेवा छोड़ दें जो कब समाज सेवा करते हैं पता नहीं चलता, लेकिन समाज सेवा करते करते लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, लग्जरी हर चीज, लग्जरी, पता नहीं कौन सी समाज सेवा है जो इस तरह से की जाती है कि सब लग्जरी कर देते। दोस्तों, ये पूरी पूरी की पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां समाज सेवी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नेता गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं और खुद अमीर हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी हर विपत्ति में सोए रहते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं तो वेस्ट से बुलाते हैं एक बड़े नेता को कि आओ हमसे जुड़ो। नेक्स्ट दोस्तों, राकेश टिकैत जी हैं किसान नेता, लेकिन 370 से परेशानी है, बिजली की समस्या है, बंगाल में पहुंच जाते हैं और खुद एसी में सोते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सभी के लिए एक सीख, किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काना बंद करो, बिकॉज यू आर करप्ट एंड पीपल विल पनिश। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी जनता के लिए काम करिए, खामा खाम के इधर उधर के चक्करों में मत फंसिए। और जयंत चौधरी जी, आपके दादा एक बड़े किसान नेता थे जो सच में किसानों का भला चाहते थे, उनकी तरह बनने की कोशिश करिए। तो फिलहाल के लिए आज के भारत एट नाइन में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और खूब बात होगी, तब तक आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।